मतलब तुम ये तो डेली करती होगी, फिर तुम उससे जब भी मिलने आती होगी तो तुम चेंज करती होगी, फिर उससे मिलती होगी, और डाटा वाटा ये सब हट जाता है, मतलब सूट की जगह जींस टॉप डाल के जब उससे मिलती हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंकी जोकर में। मैं हूँ यान जोकर वही, और अंदाज नया। दोस्तों एक लड़की झाड़ियों, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है अंदर, पता नहीं क्या कर रही है, कपड़े कुछ इधर उधर। एक बार जल्दी आ, ए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, कपड़े के कपड़ों के क्या कर रहे थे, कपड़े क्यों उतार रहे हो, हैं जी इधर आओ, बाहर आओ, इधर आओ, क्या कर रहे हो यहाँ, है जी वो मुझे चेंज करना था, चेंज करना था, तो ऐसे कौन झाड़ियों में चेंज करता है, इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, इधर आओ। तो तमीज तमीज है थोड़ी बहुत कि यहाँ पार्क में यहाँ पे चेंज कर रहे हो झाड़ियों में, किसने बोला यहाँ चेंज करने को, है जी किसने बोला यहाँ चेंज करने को, वो मुझे करना था बस, यहाँ कोई जगह ही नहीं थी। तो जगह नहीं थी, आप कहीं भी झाड़ियों में चेंज कर लोगे, बाहर किसी जाके किसी का घर यूज कर लो, वॉशरूम के लिए कोई मना थोड़ी करे, बाहर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर बाहर अगर जाओगे किसी के घर में कोई हेल्प मांगोगे आप, तो वॉशरूम यूज करने मना कर देगा वो, यहाँ आओ, मना कर देगा वो, मैं यहाँ बैठो, यहाँ बैठो नीचे, कहाँ से आए हो, पास से हैं, पास से, तो यहाँ ये चेंज करने की जगह, झाड़ी दिख रही है तुम्हें ये, यहाँ खुला पड़ा पूरा, कोई आके अभी वीडियो बना ले कुछ कर ले, फिर वायरल होगी, क्या क्या होगा, फिर ऐसी वायरल होती है ना वीडियो, है बेटा ऐसी वायरल होती है ना, अभी कोई वीडियो बना लेगा मेरी जगह, कोई आवारा लड़के होता, कोई चर्सी वर्सी आ जाए वहाँ पे, वीडियो बना ले तो ब्लैकमेल करे, फिर इतनी तो अकल होगी ना आपके अंदर। वो मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा था तो मुझे चेंज करना था, अगर वो मुझे ऐसे देख लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड आ रहा, उससे चेंज करना क्या है उसमें, वो क्या मना कर देगा कपड़ों में इनमें, या उसको छोटे कपड़े चाहिए उसको, उसे मुस्लिम्स नहीं पसंद, मुस्लिम नहीं हो तो मतलब आप मुस्लिम हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, अगर उसे पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगा, मतलब उसे पता लग जाएगा तुम मुस्लिम, इसलिए तुम चेंज कर रही हो झाड़ियों में उसके आने से पहले कि मैं, फिर पहन क्या रही थी आप, कपड़े हैं मेरे पास, मतलब क्या है कपड़े, वो क्या है, जींस टॉप, तो जींस टॉप पहनोगे तब आपसे बात करेगा, वो ब्रेकअप नहीं करेगा, और मुस्लिम है तो वो कौन सी कास्ट का है, हिंदू, तो उसे पता ही नहीं तुम मुस्लिम हो, मैं खामा खा चूतिया बना रही हूँ, कहानी घुमा रही हूँ इधर उधर, है समझ में नहीं, क्या बोली, तेज बोलो, मेरे कान में प्रॉब्लम है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा वो शायद नाटक कर रहा है इसी वजह से, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या, तुम उससे प्यार करती हो इस वजह, क्या कह रही हो, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, मुझे ये बताओ, वो हिंदू है तुम मुस्लिम हो, उसे नहीं पता तुम मुस्लिम हो, और वो मुस्लिमों को पसंद नहीं करता, तो फिर ये क्या लगता है, मैं हिंदू तभी वो मेरे से बात करता है, अगर उसे पता चले गया मुस्लिम हो तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो तुमने बताया क्यों नहीं, फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, मतलब तुम उससे बहुत प्यार करती हो इस वजह से, तुमने उसे बताया नहीं तुम मुस्लिम हो, इसलिए मुझे ये गेटअप चेंज करना पड़ता है, मतलब तुम ये तो डेली करती होगी, फिर तुम उससे जब भी मिलने आती होगी तो तुम चेंज करती होगी, फिर उससे मिलती होगी, और डाटा वाटा ये सब हट जाता है, मतलब सूट की जगह जींस टॉप डाल के जब उससे मिलती हो। नाम क्या तुम्हारा है, शबीना, और वैसे उसे क्या बता रखा है, प्रिया, उसे प्रिया बता रखा है, यार ये क्या सीन है ये सब, ऐसा तो मुझे लग रहा है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, हैं कोई बात है, और कुछ बात है, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो ऐसा कुछ हो उसने, तो रोने वाली बात क्या है इसमें, हैं मुझे छोड़ के चला गया तो, अरे तो बॉयफ्रेंड है और कोई है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड ही है, और उसने कहा था कि वो आउट ऑफ दिल्ली जाएगा, तो मुझे उससे आज लास्ट टाइम मिलना था, मनाना था कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, तो वो जा रहा है तो उससे मतलब ब्रेकअप हो गया तुम्हारा या क्या सीन है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा यार, वो आउट ऑफ दिल्ली जा रहा है अपने काम से और वो मुझे छोड़ के जा रहा है, इसलिए मुझे आज उससे लास्ट टाइम मिलना था कि वो मुझे छोड़ के ना जाए, और उसे पता चलेगा कि मैं मुस्लिम हूँ तो कभी बात नहीं करेगा वो। अरे बेटा इसमें रोने वाली बात क्या है, तो ये बताओ तुम उसे यार एक बार बताओ, अगर उसे पता लगा मुस्लिम है तो वो छोड़ देगा तुम्हें, तो या तो वो प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है तुमसे, वह उसको पता तुम प्रिया हो इसीलिए प्यार करता है, अगर उसे पता लगा सबीना हो फिर प्यार नहीं करेगा, बताओ,
उसे मुस्लिम नहीं पसंद, वो मुझे छोड़ के चला गया। तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो फिर इतना? तुम क्यों पड़े उसके पीछे फिर? प्यार करती हूँ मैं उसे 2 साल से। अरे प्यार तो करते, अच्छा प्यार करती हूँ, मान लिया प्यार करती हो। अभी नहीं पता उसको, शादी करना चाहती हो, वो करेगा शादी, बोल रहा शादी करने को, है ना, शादी करने को बोल रहा है। और जब उसे शादी के बाद पता लगेगा तुम मुस्लिम हो, फिर कहीं ना कहीं से पता तो लग ही जाता है ना, कुछ तो होगा ना, कहीं से पता लगेगा, फिर डिवोर्स दे देगा, फिर जिंदगी बर्बाद। मैं पूरे टाइम उसके सामने हिंदू बन के रहूंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगी। मतलब कास्ट चेंज करने को तैयार हो, उसे बताने को तैयार नहीं हो, हैं? इतना प्यार में अंधी हो गई हो, इतना प्यार में अंधी हो गई है कि कास्ट चेंज कर लेगी बट उसे नहीं बताएगी? कैसा प्यार है ये? अगर प्यार वही होता है ना जो एक दूसरे को समझे, तुम तो समझ रही हो, वो तो नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा फिर? तुम यहाँ पे झाड़ियों में ऐसे खड़ी हो, कोई वीडियो बना ले तुम्हारी, कोई सोचो वीडियो बना ले, ब्लैकमेल करे, फिर क्या करोगी? ये सब केसेस इसीलिए तो बढ़ते हैं, अभी कहीं लगा होता कैमरा वैमरा या कोई बंदा निकल रहा होता, वो छुपके से वीडियो बना लेता, चेंज करने के लिए कपड़े तो उतारने पड़ते ना, फिर क्या होता? ये पार्क भी ऐसा गंजेड़ी नसेड़ी यहाँ घूमते रहते, कोई आ जाए यहाँ पे, तुम तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो ना, बहुत कुछ, तो वो क्यों नहीं समझेगा फिर? तुम पक्का पता छोड़ देगा? उसे पता चला मैं मुस्लिम हूँ तो वो पक्का छोड़ देगा। मतलब मुस्लिमों से नफरत करता है बुरी तरह वो? तो बेटा तू सोचना, ये चीज तो दिमाग है ना तुम्हारे अंदर, कितनी एज है आपकी? 18 प्लस हो तो आपको इतना तो पता होगा ना कि अगर अगर वो ऐसे बोल रहा है कि मुस्लिम से मैं नफरत करता हूँ, जब उसे बाद में पता लगा तो वो डिवोर्स देगा ही देगा, फिर कहाँ जाओगे? माँ बाप को छोड़ के भगोगे उससे शादी करने के लिए? यही सोच रहे होगे, माँ बाप तो कराएंगे नहीं, माँ बाप से छोड़ के भगोगे, किसी को बताओगे नहीं, जब वो डिवोर्स दे तब कहाँ जाओगे? तेरा सोच अभी, ये बच्चों वाला दिमाग मत लगाओ, ठीक है? वो छोड़ के जा रहा है तुम्हें, आउट ऑफ दिल्ली जॉब लग गई, छोड़ के जा रहा है। तब तो उसने नहीं कहा कि मैं सबीना बात करूँगा या प्रिया बात करूँगा तुमसे, तो इसीलिए मनाने आए हो ना उसे? कहाँ दिमाग घास चढ़ने गया है? अभी एज ही क्या है तुम्हारी यार, अभी पढ़ने की लिखने की उम्र है, तुम इन चीज़ों में फंसे पड़े हो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ इससे अच्छा, खुद सोचो। देखो दिमाग लगा बेटा, प्यार में अंधी मत हो, ठीक है? थोड़ा सा बस दिमाग से सोच, जब वो बंदा नहीं ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेगा तुझे, तू तो है ही मुस्लिम, तू मानती है कोई कास्ट वास्ट? अगर वो अदर नीच कास्ट का होता तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। अरे रो मत, रोने वाली कोई बात नहीं है, रोने वाली कोई तू, अगर 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 फर्क नहीं पड़ता तो नीच जात का होता, कोई नीच जात, कोई उच्च जात नहीं मानती तू? हाँ। नहीं मानती ना, तो वो क्यों मान रहा है फिर? ऐसा बंदा तेरे लायक है? तू लबी है। मैं किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ। हर बंदा अपना फ़ायदा सोचता है यार, क्या पता तू ये यूज़ कर रहा हो, क्या पता कोई फ़ायदा हो, मान इस चीज़ को, समझी? तो ऐसे बंदों से दूर रह, अपना करियर बना, लाइफ सेट कर, बात समझ मेरी, ठीक है? घर वालों को धोखा दे रही है, ऐसे आ रही है, यहाँ कपड़े चेंज कर रही है, फिर दोबारा कपड़े चेंज करेगी उसके जाने के बाद, कल को कुछ अनहोनी हो जाए कौन झेलेगा, कौन आएगा बचाने? नाक किसकी कम नीचे होगी, माँ बाप की ना, माँ बाप परेशान होंगे ना, कोई तीसरा तो होगा नहीं आके, बचाने वाले भी माँ बाप हैं, हर चीज़ में माँ बाप आके आते हैं ना, ठीक है? कोई रोने से कुछ नहीं होगा, जो तुम हो असलियत उसके बताओ, ठीक है? रहेगा साथ में तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ थोड़ा सा, ठीक है? स्ट्रांग बनाओगे तभी कुछ होगा। आ रहा है ना वो मिलने आज, तो उसको ना ऐसे ही मिलो, ऐसे ही मिलो और ऐसे ही समझाओ, समझे? मानेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर रहा क्या पता वो और अच्छा बंदा मिले, और घर वाले जिससे कराएंगे ना वो और अच्छा होगा। पर मैं उसके बिना कैसे रहूं? अरे कुछ नहीं होता उसके बिना, रहना कुछ नहीं होता, तुम इतना सोचो खाली, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आगे को दिक्कत आएंगी, ये भी तो सोचो। चलो आज नहीं रहोगी, आज कर लो शादी, 2 साल बाद कहाँ भटकोगी, एक बच्चा हो जाएगा, कहाँ भटकोगी अगर डिवोर्स दे दिया तो, समझ रही हो ना? उसे प्यार समझाओ, ठीक है? बात करो, समझाओ कि मैं मुस्लिम हूँ, रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है। जब तुम उसके लिए हिंदू बन सकती हो, तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं बन सकता क्या? उसे मुस्लिम नहीं पसंद। कोई बात नहीं, नहीं पसंद तो अपना समझाओ उसे, भाई मैं मुस्लिम हूँ, बात खत्म। ऐसे कब तक छुप छुप के रहोगे? जब तुम कोई कास्ट नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते, तो उसको ये चीज़ समझाओ, ठीक है? ठीक है, और ये सब मत करो ऐसे, ये पार्कों में झाड़ियों में ना ये कपड़े वपड़े चेंज करना, ये सब मत करो। अगर ये सब करोगे इससे ना बहुत नुकसान है, अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, चीज़ें इधर उधर भटक गई थोड़ी सी भी, तो लाइफ बर्बाद हो जाती है। आज तो कर लिया, आज के बाद कभी मत करना। हमेशा ये करती, तो झाड़ी वाड़ी में या गाड़ियों में ऐसी चेंज करती होगी? ये वॉशरूम बने हुए हैं इतने पब्लिक, महिलाओं के लिए इतने चीज़ें बना रखी हैं, वहाँ करो, मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे करो, ठीक है?
बैग उठाओ अपना, इस पार्क से पहले इस पार्क से इधर उस साइड जाओ, यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे चलो माहौल ठीक नहीं है, उधर जाओ, ठीक है, समझाना उसे, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर मैं एक घंटे बाद यहाँ मिला तो एक बार पूछूंगा जरूर तुमसे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं अभी भी समझाया, कुछ समझ में आया है पक्का ना, कहीं ऐसी बस कि हाँ चूतिया समझा के चला गया ये वो है, इस तरीके का कुछ नहीं है। अच्छा एक्चुअली मैं क्या, मैं एक प्रैंकस्टर हूँ, प्रैंक वीडियोस बनाता हूँ, मैं ढूंढ रहा था कि मतलब एक हंसी मजाक के, तो अभी तुम मुझे दिखे तो ऑटोमेटिक मुझे झाड़ियों में, बट कोई कपड़े वपड़े उतरे नहीं थे तुम्हारे कुछ भी, तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लाइक वहाँ देखो पीछे वो एक लड़का खड़ा हुआ है कैमरा लेके, तो एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें कि मतलब कुछ ऐसा आया नहीं है, कपड़े आपने चेंज करे हो या कुछ भी, ये अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ फॉर मोटिवेशन, ले जैसे आप एक अंधे प्यार के पीछे पड़े हुए हो और चीज़ें मतलब जो आपकी सुनी है मैंने, तो मैं डाल सकता हूँ अपने चैनल पर, मेरा फंकी जोकर यूट्यूब चैनल है, डाल सकते हो। अच्छा मतलब अगर तुम्हें तुम्हें लगता हो जैसे मैंने जो चीज़ें समझाई हैं, तो आप कुछ बोलना चाहो कैमरों पे किसी किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, लाइक मतलब अदर कास्ट में जो ये चीज़ें कर लेते हैं बाद में फिर दिक्कत आती है डिवोर्स की, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे आती है, लड़की को, मानते हो, लड़का तो सेटल हो जाता है बट लड़की हमेशा पीछे रह जाती है, तो कुछ बोलना चाहोगे एक बार? अगर आप लोग भी किसी को प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो अपनी कास्ट कभी मत छुपाना, अगर वो सच्चा प्यार करता होगा तो उसे कास्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना समझ जाना वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है, जो शायद इसके साथ भी हो रहा है अभी, तो अभी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, खुला बताओ, ना हो तो कोई बात नहीं, दो साल कोई बड़ी बात नहीं, जो जिंदगी भर के 50 साल बर्बाद होंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मुस्लिम फैमिली की हो समझती होगी तुम कैसे क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं शुरू से, ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है भाई।